चेंज प्रीसेट सेट एनिमेशन इफेक्ट्स अब हम आपको बताते हैं कि किसी एनिमेशन इफेक्ट को चेंज किस तरह किया जाता है इसके लिए आप पहली वाली प्रेजेंटेशन ओपन करें जिस पर आपने एनिमेशन इफेक्ट लगाया हुआ है एनिमेशन टैब में एडवांस्ड एनिमेशन के मेन्यू में मौजूद एनिमेशन पैन को क्लिक करें पावर पॉइंट में दाएं जानब एनिमेशन पैन जाहिर हो जाएगा इसमें प्ले का बटन मौजूद है जिसे प्रेस करने से एनिमेशन चलने लगती है और आप इसका प्रिव्यू देख सकते हैं यहां आप किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट पर लगाए गए इफेक्ट्स की लिस्ट देख सकते हैं हर इफेक्ट के साथ ये एरो है, इसको क्लिक करें तो इसमें मजीद ऑप्शन नजर आएंगी जैसे स्टार्ट ऑन क्लिक स्टार्ट विथ प्रीवियस स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस इफेक्ट ऑप्शन टाइमिंग्स हाइड एडवांस्ड टाइमलाइन और रिमूव इफेक्ट इस रिमूव इफेक्ट को सिलेक्ट करने से हम इफेक्ट रिमूव कर सकते हैं ये देखिए रिमूव के बटन पर क्लिक करने से ये इफेक्ट खत्म हो गया है अब हम दोबारा इस तरीके से कोई दूसरा इफेक्ट इस पर लगा सकते हैं जैसा कि हम पहले लगा चुके हैं इस तरह हम एक इफेक्ट को चेंज करके दूसरा इफेक्ट लगा सकते हैं ट्रांजिशंस ट्रांजिशन से मुराद एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मुंतकिल होने का इफेक्ट अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में ट्रांजिशंस इफेक्ट किस तरह ऐड करते हैं इसके लिए हम सबसे पहले कोई प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं जो हम पहले बना चुके हैं अब हमें ट्रांजिशंस के टैब में से ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड का मेन्यू नजर आ रहा है यहां इस एरो को क्लिक करने से हमारे सामने दर्जनों स्लाइड ट्रांजीशन आ जाएंगी हम अपनी मर्जी और जरूरत के मुताबिक कोई भी ट्रांजिशन मुंतब करके लगा सकते हैं जिससे आपकी प्रेजेंटेशन में एक अच्छा तासुर मिलेगा मसलन हम चेकबोर्ड अक्रॉस की ट्रांजिशन को सिलेक्ट करते हैं इस टैब में हर ट्रांजिशन इफेक्ट की अपनी अपनी ऑप्शन और सेटिंग्स हैं जो हमें यहाँ इफेक्ट ऑप्शन में मिलेंगी जिनकी मदद से आप इन ट्रांजिशन इफेक्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं इसी टैब में टाइमिंग का मेन्यू भी है जिसमें आपको साउंड ड्यूरेशन एडवांस्ड स्लाइड और अप्लाई टू ऑल की ऑप्शंस नजर आ रही हैं यानी ड्यूरेशन की मदद से हम ट्रांजिशन की स्पीड सेट कर सकते हैं और साउंड की मदद से इस ट्रांजिशन में कोई साउंड भी लगा सकते हैं साउंड में भी इसी तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं आप जो चाहें ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ एडवांस लाइट के नाम से एक ऑप्शन मौजूद है जिसमें दो ऑप्शंस मौजूद है ऑन माउस क्लिक और आफ्टर और इन दोनों के शुरू में एक चेक बॉक्स है जिसका मतलब है कि आपने जो ट्रांजिशन इफेक्ट लगाया है वो माउस क्लिक करने से अप्लाई हो या ऑटोमैटिकली ऑटोमेटिकली आफ्टर पर क्लिक करने से इसके सामने मौजूद बॉक्स में हम टाइम सेट कर सकते हैं यानी वो ट्रांजिशन कितनी देर बाद चले जबकि अगर हम माउस क्लिक वाले बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो ये ट्रांजिशन उस वक्त चलेगी जब हम माउस पर क्लिक करेंगे अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स का मतलब ये है कि अगर आप ये ट्रांजिशन इस प्रेजेंटेशन में मौजूद तमाम स्लाइड्स पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके अलावा इस टैब में प्रीव्यू की ऑप्शन है जिस पर क्लिक करने से आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड पैन में ही प्ले हो जाएगी टू व्यू अ स्लाइड शो डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन इस लेसन को करने के बाद आप जान जाएंगे कि प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के लिए स्लाइड शो किस तरह किया जाता है ऑन स्क्रीन नेविगेशन टूल्स किस तरह यूज करते हैं और स्लाइड्स को हाइट किस तरह किया जाता है डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन स्टार्ट स्लाइड शो ऑन एनी स्लाइड इसके लिए आप कोई भी प्रेजेंटेशन ओपन कर लें जो आप पहले से तैयार कर चुके हैं अब हम स्लाइड शो के टैब में स्टार्ट स्लाइड शो के मेन्यू में जाते हैं यहां आपको फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम क्रंट स्लाइड ब्रॉडकास्ट शो और कस्टम स्लाइड शो की ऑप्शंस नजर आ रही हैं। स्लाइड शो टैब से फ्रॉम बिगनिंग की कमांड पर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से F5 की प्रेस करते हैं ये देखिए हमारी बनाई हुई प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू हो गया है और इस वक्त स्क्रीन पर आपको इस प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड नजर आ रही है अब हम माउस को क्लिक या कीबोर्ड के स्पेस बार को एक मरतबा प्रेस करते हैं ऐसा करने से इस प्रेजेंटेशन की दूसरी स्लाइड हमारे सामने आ जाती है और इसी तरह हम जितनी बार क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्लाइड सामने आती जाएगी और जब तमाम स्लाइड्स खत्म हो जाएंगी तो हमारे सामने एक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी जिसका मतलब है कि इस प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो खत्म हो गया है और जब हम क्लिक करेंगे तो वापस पावर पॉइंट की विंडो पर आ जाएंगे इस तरह हम प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो कर सकते हैं यूज ऑन स्क्रीन नेविगेशन टूल अब हम आपको बताते हैं कि ऑन स्क्रीन नेविगेशन टूल्स को किस तरह यूज किया जाता है लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि ये क्या होते हैं जब हम स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं तो हमें स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पर नीचे की तरफ कॉर्नर पर ये जो टूल मौजूद है इसको स्क्रीन नेविगेशन टूल कहते हैं जिस पर क्लिक करने से हमारे सामने एक मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें ऑप्शंस आ रही हैं मसलन अगर हम इसमें से गो टू स्लाइड की कमांड पर कर्सर लेकर जाते हैं तो हमारे सामने एक मेन्यू ओपन हो जाता है और इसमें हमें उन तमाम स्लाइड्स के नाम नजर आ रहे हैं जो हमने इस प्रेजेंटेशन में बनाई हुई हैं इसमें से हम किसी एक स्लाइड को सिलेक्ट करें तो हम इस स्लाइड पर पहुंच जाएंगे जिसको हमने सिलेक्ट किया था इसके अलावा इस मेन्यू में हमें एरो से भी एक कमांड नजर आ रही है जब हम कर्सर इस पर लेकर जाते हैं तो हमारे सामने एक मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें ऑप्शंस भी मौजूद हैं मसलन हम इसमें से पेन की कमांड चूज करते हैं पेन की ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद करसर की शक्ल चेंज होकर एक पेन की शक्ल इख्तियार कर लेती है जिसकी मदद से हम अपनी प्रेजेंटेशन में मौजूद किसी अहम टॉपिक को बताने के लिए उस पर पेन की मदद से सर्कल लगा सकते हैं जैसा कि हम आपको लगा कर दिखा रहे हैं इस तरह हम मुख्त स्क्रीन नेविगेशन टूल्स को यूज कर सकते हैं हाइड द स्लाइड्स अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड्स को हाइड किस तरह किया जाता है यानी स्लाइड को छुपाया किस तरह जाता है इसके लिए हम सबसे पहले तीन स्लाइड्स इंसर्ट करते हैं। सबसे पहली स्लाइड में हम पाकिस्तान लिखते हैं दूसरी स्लाइड में हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखते हैं और तीसरी स्लाइड में हम लाहौर लिखते हैं अब हम इन तीनों में से जिस स्लाइड को भी हाइड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं जिसके लिए हमें स्लाइड पैन में तीनों स्लाइड्स नजर आ रही हैं। मसलन हम इसमें से दूसरी स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद हम स्लाइड शो के टैब से हाइड स्लाइड की कमांड पर क्लिक करते हैं इस तरह करने से दूसरी स्लाइड हाइड हो जाएगी गौर करें स्लाइड पैन में जहां स्लाइड नंबर आ रहे हैं वहाँ दूसरी स्लाइड के नंबर यानी दो के ऊपर एक लाइन सी आ गई है जिसका मतलब ये है कि ये स्लाइड हाइड हो गई है लेकिन आप सोच रहे होंगे कि दूसरी स्लाइड तो हमें अभी भी नजर आ रही है यानी ये स्लाइड हाइड नहीं हुई है दरअसल ये स्लाइड हाइड हो गई है लेकिन ये यहाँ पर आपको नजर आती रहेगी लेकिन जब आप स्लाइड शो शुरू करेंगे तो वहां पर ये स्लाइड नहीं चलेगी आइए हम स्लाइड शो करके देखते हैं जिसके लिए हम स्लाइड शो के टैब में या कीबोर्ड से F5 की प्रेस करते हैं ये देखिए स्लाइड शो शुरू हो गया है और इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर पहली स्लाइड मौजूद है जिस पर हमने पाकिस्तान लिखा हुआ है अब हम अगली स्लाइड पर जाने के लिए माउस से क्लिक करते हैं गौर करें कि क्लिक करने के बाद हमारे सामने स्क्रीन पर तीसरी स्लाइड आ रही है जिस पर हमने लाहौर लिखा हुआ है और फिर दोबारा क्लिक करने से स्लाइड शो खत्म हो जाता है आपने गौर किया कि इस स्लाइड शो में हमारी दूसरी स्लाइड नहीं चली क्योंकि दूसरी स्लाइड हमने हाइड की हुई है इस तरह हम जिस स्लाइड को हाइड करना चाहें कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट इलेंस स्मार्ट आर्ट इलस्ट्रेश आपको प्रेजेंटेशन में बसरी मालूम या विजुअल इंफॉर्मेशन अपने ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद करती है ये दरअसल आपके डेटा को ग्राफिकली खूबसूरती से पेश करती है इस लेसन में आप सीखेंगे कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स किस तरह प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करते हैं कलर और इफेक्ट्स को किस तरह मॉडिफाई करते हैं और किस तरह आप अपने प्रेजेंटेशन में ग्राफिक्स की तंजीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राफिक्स को तब्दील कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स पावर पॉइंट में ऐसे बहुत से स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हैं जिनकी मदद से आप एक नहायत मुतासर इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन तैयार और डिलीवर कर सकते हैं टू इंसर्ट स्मार्ट ग्राफिक्स इंसर्ट टैब में जाए इलस्ट्रेशन ग्रुप में से स्मार्ट आर्ट की कमांड सेलेक्ट करें एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा इस डायलॉग बॉक्स के बाएं जाने और रिव्यू स्मार्ट आर्ट के दरमियान इस स्मार्ट ग्राफिक की किस्म या कैटेगरी को सिलेक्ट करें अपना मतलूबा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक मुंतब करें और ओके को प्रेस करें टू एड टेक्स्ट टू ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक ग्राफिक को सिलेक्ट करें आप देखेंगे कि इसके गिर्द एक बॉक्स बन गया है और इस बॉक्स के लेफ्ट साइड पर दो एरोज भी हैं इस एरो पर क्लिक करें एक टास्क पैन खुल जाएगा अब इस टास्क पैन के हर बुलेट में टेक्स्ट एंटर करें आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट आप टाइप करते जाएंगे वो ग्राफिक में ऐड होता चला जाएगा और ऑटोमैटिकली उसके अंदर एडजस्ट भी होता जाएगा और ग्राफिक भी रिसाइज हो रहा है नई शेप ऐड करने के लिए एंटर प्रेस करें एक नया बुलेट बन जाएगा और टेक्स्ट इसमें लिखना शुरू हो जाएगा आप किसी भी शेप पर क्लिक करके उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं अगर चंद शेप्स में टाइप करना हो तो ये तरीका बेहतर है लेकिन अगर शेप्स काफी ज्यादा हैं और ग्राफिक्स इलस्ट्रेशन स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है तो टास्क पैन में टेक्स्ट इनपुट वाला तरीका ही ज्यादा मुसर और तेज है टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टू स्मार्ट आर्ट जिस पैराग्राफ या टेक्स्ट को आपने स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना हो उसको सिलेक्ट करें अब राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें अपनी मर्जी का स्मार्ट आर्ट ग्राफिक मुंतखब करें या नीचे दी गई मोर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स वाली ऑप्शन को क्लिक करके मजीद ऑप्शन में जाएं। आप एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को दोबारा टेक्स्ट में भी तब्दील कर सकते हैं किसी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को सिलेक्ट करके स्मार्ट आर्ट टूल डिजाइन टैब पर क्लिक करें अब कन्वर्ट पर क्लिक करें और फिर कन्वर्ट टू टेक्स्ट को सिलेक्ट करें चेंज दर्गेनाइजेशन ऑफ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक टू एड शेप टू ए ग्राफिक ग्राफिक को सिलेक्ट करें रिबन पर डिजाइन एंड फॉर्मैट टैब आ जाएगा डिजाइन टैब को सिलेक्ट करें जहाँ आपने नई शेप दिखानी हो उस जगह का इंतख्य करें और नजदीक तरीन किसी भी शेप को सिलेक्ट करें ग्राफिक्स ग्रुप में ऐड शेप कमांड के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें एक नया मेन्यू खुल जाएगा अब इस नए मेन्यू में ऐड शेप बिफोर या ऐड शेप आफ्टर को सिलेक्ट करें एक नई शेप के लिए जो इसी लेवल पर बनेगी जिस लेवल पर आपने शेप मुंत की थी और अगर आप चाहते हैं कि नई शेप इसके ऊपर या नीचे बने तो ऐड शेप अबव या ऐड शेप बिलो पर क्लिक करें टू मूव शेप्स टू ए हायर और लोअर लेवल ग्राफिक को सिलेक्ट करें रिबन पर डिजाइन टैब एंड फॉर्मैट टैब खुल जाएगा डिजाइन टैब को मुंतखि करें जिस शेप को मूव करना हो उसको सिलेक्ट करें क्रिएट ग्राफिक ग्रुप में प्रमोट या डिमोट की कमांड पर क्लिक करें इससे मुंतखि करदा शेप ऊपर या नीचे लेवल पर मूव कर जाएगी आप यही काम टास्क पैन में रहते हुए भी कर सकते हैं अपने इंसर्शन पॉइंट को इस मुंतखि करदा जगह पर सेट करके कीबोर्ड की टैब की प्रेस करें शेप डिमोट हो जाएगी और इसी तरह बैक स्पेस या शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करें तो शेप प्रमोट हो जाएगी टू रीअरेंज शेप्स ऑन द सेम लेवल। ग्राफिक शेप को सिलेक्ट करें रिबन पर डिजाइन टैब एंड फॉर्मेट टैब खुल जाएगा डिजाइन टैब को सिलेक्ट करें जिस शेप को आपने मूव करना हो उसको सिलेक्ट करें क्रिएट ग्राफिक ग्रुप में मूव अप या मूव डाउन को क्लिक करें वो मुंतखब करदा शेप एक स्पेस ऊपर या नीचे हो जाएगी मॉडिफाइंग द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स अपेयरेंस टू चेंज द स्मार्ट आर्ट लेआउट ग्राफिक को सिलेक्ट करें रिबन पर डिजाइन टैब और फॉर्मेट टैब खुल जाएगा डिजाइन टैब को क्लिक करें लेआउट ग्रुप में इस ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करके देखें आपको तमाम लेआउट्स की लिस्ट नजर आ जाएगी किसी भी लेआउट का लाइव प्रीव्यू लेने के लिए उस पर माउस लेकर जाएं। और अब अपनी मर्जी का लेआउट सिलेक्ट करें अगर नया मुंतखब करदा लेआउट आपके पहले लेआउट से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है तो हो सकता है कि आपका कुछ टेक्स्ट नजर ही ना आए इसलिए कोई भी नया लेआउट मुंतखब करने से पहले ये जरूर देख लें कि कहीं कोई अहम मालूम या इम्पोर्टेंट डाटा मिस ना हो जाए जिससे आपकी प्रेजेंटेशन पर बुरा इम्प्रेशन पड़े या आपकी प्रेजेंटेशन नामुकम्मल रह जाए टू चेंज द स्टाइल ग्राफिक को सिलेक्ट करें रिबन पर डिजाइन टैब और फॉर्मेट टैब नजर आने लगेगा डिजाइन टैब को मुंतखब करें अब स्मार्ट आर्ट स्टाइल ग्रुप में इस ड्रॉपडाउन एरो को क्लिक करके मजीद स्टाइल्स देखें हर स्टाइल का लाइव प्रीव्यू देखें और अपनी मर्जी का स्टाइल मुंतखब करें टू चेंज द कलर स्कीम पावर में आपको स्मार्ट आर्ट स्टाइल के कलर कॉम्बिनेशन या कलर स्कीम्स की बहुत ज्यादा वैरायटी मिलेगी हर कलर स्कीम अपने मुंत करदा थीम कलर्स को इस्तेमाल करती है इसलिए ये कलर स्कीम आपके मुंतब शुदा थीम के रंग से मिलती जुलती होगी ग्राफिक को सिलेक्ट करें रिबन पर डिजाइन टैब और फॉर्मेट टैब नजर आएगा डिजाइन टैब को सिलेक्ट करें चेंज कलर्स कमांड को क्लिक करें एक ड्रॉप डाउन मैन्यू सामने खुल जाएगा जिसमें मुख्तल कलर स्कीम्स नजर आ रही हैं अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक कलर स्कीम का इंतख्य करें अगर आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में से किसी एक शेप की अपेयरेंस को बदलना चाहते हैं तो इस शेप को सिलेक्ट करें और फॉर्मैट टैब पर क्लिक करें अब आप इस एक ग्राफिक की शेप स्टाइल कलर इफेक्ट्स और दूसरी सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट एक्सचेंज सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट अंडर एनदर फाइल फॉर्मैट रिच टेक्स्ट फॉर्मैट प्रेजेंटेशन टेम्पलेट इमेज फाइल फॉर्मैट सॉफ्टवेयर टाइप और वर्जन नंबर अगर आप पहले से मौजूद प्रेजेंटेशन को किसी और फाइल फॉर्मैट मसलन रिच टेक्स्ट फॉर्मेट आर टी एफ प्रेजेंटेशन टेम्पलेट इमेज फाइल फॉर्मेट या किसी वर्जन नंबर वगैरह में सेव करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपनी प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं ओपन करने के बाद फाइल के टैब से सेव एज की कमांड पर क्लिक करते हैं जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे सामने सेव एज के नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है आपको डायलॉग बॉक्स में नीचे की जानब दो बॉक्स फाइल नेम और सेव एस टाइप के नाम से नजर आ रहे हैं जिनके आखिर में दाएं जानब एक छोटा सा एरो का निशान भी नजर आ रहा है फाइल नेम के बॉक्स में कोई भी नाम रख सकते हैं जिस नाम से आप प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहते हैं सेव एस टाइप के बॉक्स के किनारे पर मौजूद एरो पर क्लिक करें जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक लिस्ट ओपन हो जाती है जिसमें आपको मुख्तलिफ फाइल फॉर्मेट्स नजर आ रहे हैं अब हम इनमें से वो फाइल फॉर्मेट चूज करते हैं जिसमें हम अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहते हैं जैसे रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, इमेज फाइल फॉर्मेट, वेब पेज वगैरह आपकी प्रेजेंटेशन इस फाइल फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी जिसमें आप चाहते हैं। हाइपरलिं एंड एक्शन बटन्स। जब आप इंटरनेट पर ऑनलाइन होते हैं तो आप किसी भी वेबसाइट पर नेविगेशन करने के लिए हाइपर लिंक्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं यानी हाइपर लिंक्स के जरिए आप किसी भी वेबसाइट या वेबपेज पर नेविगेशन करते हैं मिसाल के तौर पर www.vu.edu.pk www.google.com www.yahoo.com वगैरह ये सब हाइपरलिंक्स ही हैं एक ईमेल एड्रेस भी हाइपरलिंक होता है आप भी अगर अपनी प्रेजेंटेशन में वेब एड्रेस या हाइपर लिंक्स लगाना चाहते हैं तो पावर पॉइंट में ये मुमकिन है इस लेसन में आप जान पाएंगे कि किस तरह इंसर्ट करते हैं और एक्शन बटन्स किस तरह लगाते हैं अबाउट हाइपर लिंक्स अब हम कुछ बात हाइपर लिंक्स के बारे में करते हैं बुनियादी तौर पर हाइपर लिंक के दो हिस्से होते हैं पहले हिस्से में वेब पेज का एड्रेस या ईमेल एड्रेस या कोई और लोकेशन या कोई स्लाइड होती है दूसरे हिस्से में उस हाइपर लिंक का डिस्प्ले टेक्स्ट जो एक तस्वीर बटन या शेप की सूरत में होता है मिसाल के तौर पर एच टी टी पी कोलन फ्रंट स्लैश फ्रंट स्लैश एल एम एस डॉट वी यू डॉट ई डी यू डॉट पी के में वी यू एल एम एस इसका डिस्प्ले टेक्स्ट हो सकता है लेकिन बाजात हाइपर लिंक का टेक्स्ट वही हाइपर लिंक भी हो सकता है टू इंसर्ट तस्वीर या टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसे आप हाइपर लिंक बनाना चाहते हैं अब राइट क्लिक करें और इस मेन्यू में हाइपर लिंक को क्लिक करें इंसर्ट हाइपर लिंक का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा रिबन में इंसर्ट टैब से भी आप ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं यहाँ टेक्स्ट टू डिस्प्ले में आप अपनी मर्जी का डिस्प्ले टेक्स्ट लिख सकते हैं आप इस टेक्स्ट को जिस वक्त चाहें तब्दील भी कर सकते हैं अब एड्रेस के फील्ड में हाइपर लिंक का एड्रेस टाइप करें ओके okay, क्लिक करें अब ये सिलेक्टेड टेक्स्ट एक वेब एड्रेस का हाइपरलिंक बन गया है टू इंसर्ट अल इन्यू खोलेंगे यहाँ ई मेल एड्रेस लिखे और ओके okay का बटन प्रेस करें यहाँ ये बात काबिल है की पावर पॉइंट आपके लिखे गए ई मेल एड्रेसेस वेब एड्रेसेस को खुद ब खुद हाइपर लिंक तस्वूर करते हुए इसको इसी हाइपर लिंक के फॉर्मेट में लिखता है यानी जब आप कोई वेब एड्रेस या ई मेल लिख कर एंटर की या स्पेस बार प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली पावर प्वाइंट इस लिखे गए टेक्स्ट को हाइपर लिंक तस्वूर करता है टू इंसर्ट ए हाइपर लिंक टू एन अदर स्लाइड सिलेक्टेड टेक्स्ट या इमेज पर राइट right क्लिक करें इंसर्ट हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा इसी डायलॉग बॉक्स में बाई जानिब प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें यहां आपकी प्रेजेंटेशन की तमाम स्लाइड्स की एक लिस्ट आ जाएगी अब इस लिस्ट में से इस स्लाइड को सिलेक्ट करें जिसको हाइपर लिंक करार देना है ओके okay को क्लिक करें अब आप अपनी प्रेजेंटेशन में नेविगेट कर सकते हैं टू इंसर्ट हाइपर लिंक टू एनअर फाइल सिलेक्टेड टेक्स्ट या इमेज पर राइट right क्लिक करें इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा इसी डायलॉग बॉक्स में बाएं जानब एग्जिस्टिंग फाइल या वेब पेज पर क्लिक करें इस ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें और अपनी मतलूबा फाइल को तलाश करके ब्राउज करके सिलेक्ट करें ओके okay को क्लिक करें ये आपने फाइल का हाइपरलिंक बना लिया है टू रिमूव हाइपर लिंक हाइपर लिंक पर राइट right क्लिक करें और रिमूव हाइपर लिंक पर क्लिक कर दें हाइपर लिंक रिमूव हो जाएगा लेकिन टेक्स्ट या इमेज डिलीट नहीं होगा इंसर्टिंग एक्शन बटन वेब पेजेस फाइल्स ईमेल एड्रेस और स्लाइड्स को आपस में लिंक करने का एक बहुत मर तरीका एक्शन बटन है ये पावर पॉइंट में बिल्ट इन बटन शेप्स हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को आपस में और दूसरी फाइल्स के साथ लिंक करने के लिए काम आते हैं इसके अलावा एक्शन बटन्स के जरिए साउंड को प्ले कर सकते हैं कोई वीडियो प्ले कर सकते हैं जब कोई बटन पर क्लिक करेगा तो ये एक्शन परफॉर्म करेगा एक्शन बटन्स भी हाइपर लिंक की तरह काम कर सकता है आप एक्शन बटन को एक स्लाइड पर भी शो कर सकते हैं और एक ही बटन को एक से ज्यादा स्लाइड्स पर भी लगा सकते हैं टू इंसर्ट एन एक्शन बटन ऑन वन स्लाइड इंसर्ट टैब पर क्लिक करें इलेट्रेशन ग्रुप में से शेप्स को क्लिक करें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा और इस मेन्यू के आखिर में एक्शन बटन होंगे अपना मतलूबा बटन मुंतब करें स्लाइड में मतलूबा जगह पर क्लिक करके इस बटन को इंसर्ट करें एक्शन सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स जाहिर हो जाएगा माउस क्लिक या माउस ओवर टैब को सिलेक्ट करें यहां माउस क्लिक को सिलेक्ट करने से मुराद है कि यह बटन सिर्फ माउस क्लिक पर काम करेगा और माउस ओवर का मतलब माउस ऊपर ले जाने पर फंक्शन परफॉर्म करेगा एक्शन ऑन क्लिक के सेक्शन पर हाइपर लिंक टू को सिलेक्ट करें और फिर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और इस मैन्यू में से अपनी जरूरत के मुताबिक ऑप्शन सिलेक्ट करें प्ले साउंड बॉक्स को चेक करें अगर आप इस बटन के एक्शन पर कोई साउंड देना चाहते हैं ड्रॉप ड्रॉपडाउन में दी गई साउंड को सिलेक्ट करें या अपने कंप्यूटर में से साउंड फाइल सर्च करके सेलेक्ट करें ओके okay पर क्लिक करें इंसर्ट एक्शन बटन ऑन ऑल स्लाइड पर क्लिक करेंटर व्यूज ग्रुप में स्लाइड मास्टर पर क्लिक करें और जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि मास्टर स्लाइड किस तरह बनाते हैं इसी तरीके से मास्टर स्लाइड बनाए और मुंतब करदा बटन को मास्टर स्लाइड में लगा दें अब यह बटन आपकी तमाम स्लाइड में लग जाएगा और सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा मसलन प्रीवियस स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड वगैरह टू चेंज दरेंस ऑफ एन एक्शन बटन एक्शन बटन को सिलेक्ट करें ड्राॅंग टूल्स फॉर्म एक टैब पर क्लिक करें अब इस बटन का स्टाइल और रंग तब्दील करने के लिए शेप स्टाइल ग्रुप की कमांड्स जो मुख्तफ टूल्स की शक्ल में हैं वो सिलेक्ट करें एक्शन बटन की शेप तब्दील करने के लिए इंसर्ट शेप ग्रुप में मौजूद एडिट शेप की ऑप्शन में जाएं और इस एक्शन बटन के लिए एक नई शेप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मुंतखब करें आपके एक्शन बटन की शेप और स्टाइल बदल गया है लेकिन फंक्शन तब्दील नहीं हुआ वर्किंग विद टेबल्स पावर पॉइंट टू में मालूम को स्लाइड्स पर डिस्प्ले करने के लिए हम टेबल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं असल में एक टेबल एक टेबल ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें रोज और कॉलम्स को एक ग्रिड की शक्ल में अरेंज किया होता है टेबल्स को आप अपना डेटा दिखाने के लिए कस्टमाइज भी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव इस लेसन में आप सीखेंगे कि टेबल्स को किस तरह इंसर्ट करते हैं टेबल स्टाइल्स को किस तरह अप्लाई करते हैं और मुख्तलिफ कमांड्स के जरिए टेबल को फॉर्मेट कैसे करना है टू इंसर्ट अ ब्लैंक टेबल इंसर्ट टैब में टेबल कमांड पर क्लिक करें अब अपने माउस को इन कॉलम्स और रोज पर हॉवर करें और अपने टेबल के लिए रोज और कॉलम्स को सिलेक्ट करें अपने माउस को क्लिक करें आप देखेंगे कि आपने जितने कॉलम्स और रोज पर माउस होवर किया था उतने ही रोज एंड कॉलम्स के हिसाब से टेबल बन गया है अब आप इंसर्शन पॉइंट को इस टेबल में कहीं भी क्लिक करके टेक्स्ट लिख सकते हैं आप प्लेस होल्डर में भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं प्लेस होल्डर में इंसर्ट टेबल पर क्लिक करें और अपनी जरूरत के मुताबिक रोज और कॉलम्स को ऐड करें टू मूव अ टेबल टेबल के किनारे या एज पर माउस पॉइंटर को ले जाएं, इसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी क्लिक करें और ड्रैग करके मतूबा जगह पर ले जाएं और वहां जाकर माउस को छोड़ें। आपका टेबल वही प्लेस हो जाएगा मॉडिफाइंग टेबल्स टू री द टेबल माउस पॉइंटर को टेबल के किनारों पर ले जाकर इसके साइजिंग हैंडल्स को ड्रैग माउस को ड्रैग करते हुए टेबल का साइज कम या ज्यादा करें माउस को छोड़ें आपका टेबल रीसाइज हो गया है टू एड कॉलम और रोज जहां पर आप रो या कॉलम का इजाफा करना चाहते हैं इसके बिल्कुल साथ वाले सेल में इंसर्शन पॉइंट को ले जाएं। टेबल टूल्स लेआउट टैब टेबल टूल्स लेआउट टैब को सिलेक्ट करें और इसमें रोज एंड कॉलम्स ग्रुप पर जाएं। अगर आप नई रो का इजाफा करना चाहते हैं तो इंसर्ट अबव या इंसर्ट बिलो को सिलेक्ट करें इसी तरह अगर आप नए कॉलम का इजाफा करना चाहते हैं तो इंसर्ट लेफ्ट या इंसर्ट राइट पर क्लिक करें एक नई रो या नया कॉलम जाहिर हो जाएगा टू डिलीट अ रो और कॉलम जिस रो या कॉलम को डिलीट करना हो इसमें इंसर्शन पॉइंट को रखकर सिलेक्ट करें टेबल टूल्स लेआउट टैब को सिलेक्ट करें रोज एंड कॉलम्स ग्रुप में डिलीट को क्लिक करें एक ड्रॉपडाउन मेन्यू खुल जाएगा डिलीट रोज या डिलीट कॉलम्स को क्लिक करें मॉडिफाइंग द टेबल स्टाइल टू अप्लाई अ टेबल स्टाइल टेबल में कहीं भी क्लिक करें टेबल टूल्स टैब आपको रिबन में नजर आएगा टेबल स्टाइल्स को तलाश करें मोर ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें और मजीद टेबल स्टाइल्स आपको नजर आएंगे अपने डिजायर्ड स्टाइल को सिलेक्ट करें टू चेंज टेबल स्टाइल ऑप्शन यहां आपके पास छह ऑप्शन हेडर रो टोटल रो बैंडेड रो फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम और बैंडेड कॉलम टेबल पर कहीं भी क्लिक करें टेबल टूल्स टैब खुल जाएगा टेबल स्टाइल ग्रुप में माउस को होवर करें और यहाँ मौजूद ऑप्शंस पर लिखी एक्सप्लेनेशंस को पढ़ें और चेक बॉक्सेस को चेक या अनचेक करें जो टेबल स्टाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये उस पर मुनहसिर है कि टेबल स्टाइल्स की ऑप्शंस मुख्तलिफ हो सकती हैं टू एड बॉर्डर टू अ टेबल जिन सेल्स पर बॉर्डर लगाना मकसूद हो को सिलेक्ट करें टेबल टूल्स डिजाइन टैब में अपनी मर्जी के लाइन स्टाइल लाइन वेट और पेन कलर को सिलेक्ट करें बॉर्डर ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें ड्रॉप डाउन मेन्यू में से अपनी पसंद की बॉर्डर टाइप को सिलेक्ट select करें सिलेक्टेड सेल्स के गिर्द बॉर्डर बन जाएगा मॉडिफाइंग टेबल यूजिंग द लेआउट टैब जब आप पावर पॉइंट टू थाउजेंड टेन में टेबल को सिलेक्ट करते हैं रिबन पर टेबल टूल्स में डिजाइन टैब और लेआउट टैब नजर आने लगते हैं अब आप टेबल में हर तरह से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं यानी आप उनमें रोज और कॉलम्स का इजाफा कर सकते हैं सेल्स को मर्ज और स्प्लिट कर सकते हैं सेल साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं और कॉलम्स को तकसीम या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सेल टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं सेल टेक्स्ट की डायरेक्शन को बदल सकते हैं एडवांस्ड ऑप्शंस इन पावर पॉइंट टू पावर पॉइंट के जरिए प्रेजेंटेशन देते हुए आपको चंद अहम नुकात को जहन में रखना चाहिए नंबर वन आपकी प्रेजेंटेशन कितनी देर जारी रहेगी नंबर टू आप इतनी देर क्या कहेंगे और नंबर थ्री कि अगर आप उस जगह नहीं हैं जहां आपकी ऑडियंस है तो वो आपकी प्रेजेंटेशन को किस तरह देखेंगे खुशकिस्मती से पावर पॉइंट आपको कई ऐसे फीचर्स फराहम करता है जिनकी बदौलत आप एक टेंशन फ्री और स्मूथ प्रेजेंटेशन अपने ऑडियंस को डिलीवर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स इस लेसन में आप सीखेंगे कि प्रेजेंटेशन की रिहर्सल या मश्क करना नी स्लाइड शोज को एडवांस में रिकॉर्ड करना आप प्रेजेंटेशन की मुतबाद ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे जैसे अपनी प्रेजेंटेशन की वीडियो बनाना नीज इस रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन को अपने रिमोट ऑडियंस या ऐसी ऑडियंस जो आपसे दूर हों उन तक ब्रॉडकास्ट करना फाइनली अपनी प्रेजेंटेशन के हैंडआउट्स बनाना और उसको कस्टमाइज करना और स्लाइड्स को रीअरेंज करना रिहर्स एंड रिकॉर्ड स्लाइड शोस अपने प्रेजेंटेशन की रिहर्सल करना बहुत जरूरी है इसके लिए पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग्स के फीचर को इस्तेमाल करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को बखूबी रिहर्स कर सकते हैं अगर आप स्लाइड शो को प्रेजेंट करने से कासर हों पावर तो पॉइंट में रिकॉर्ड स्लाइड शो के ऑप्शन के जरिए अपनी प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करके नरेशन का इजाफा कर सकते हैं टू रिहर्स टाइमिंग्स स्लाइड शो टैब को सिलेक्ट करें और सेटअप ग्रुप को लोकेट करें रिहर्स टाइमिंग्स कमांड पर क्लिक करें आपकी प्रेजेंटेशन का फुल स्क्रीन व्यू नजर आना शुरू हो जाएगा लीजिए अब अपने स्लाइड शो को पेश करने की मश्क स्टार्ट करें जब आप नेक्स्ट स्लाइड पर जाने का सोचें तो रिकॉर्डिंग टूल बार जो कि दाएं तरफ ऊपर कोने में नजर आ रहा है से नेक्स्ट का बटन क्लिक करें अगर आप चाहें तो आप कीबोर्ड से राइट एरो की प्रेस करके भी अगली स्लाइड पर जा सकते हैं जब आप स्लाइड शो के आखिर में पहुंच जाएं, तो कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस करें और इससे आपका स्लाइड शो खत्म हो जाएगा और एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें प्रेजेंटेशन का टोटल टाइम लिखा होगा इस टाइम को नोट कर लें और दो या तीन मर्तबा प्रेजेंटेशन की मश्क करें और इस टाइम का मवाजना करें आप इस दौरान वक्फा लेने के लिए पॉज और रिज्यूम भी कर सकते हैं और टाइमिंग्स को री रिकॉर्ड करने के लिए रिपीट का बटन प्रेस करें अगर आप प्रेजेंटेशन की टाइमिंग से मुतमइन हैं, तो यस का बटन क्लिक करें रिकॉर्ड ए स्लाइड श्यो स्लाइड श्यो टैब को क्लिक करें और सेटअप ग्रुप को लोकेट करें रिकॉर्ड स्लाइड श्यो के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग या स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक पर क्लिक करें एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा यहाँ ये बात याद रहे कि आप प्रेजेंटेशन के लिए नरेशन या आवाज तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब आपके कंप्यूटर के साथ माइक्रोफोन लगा हो स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करें आपकी प्रेजेंटेशन अब फुल स्क्रीन व्यू में चलने लगेगी अपनी प्रेजेंटेशन को परफॉर्म करना शुरू करें जब आप अपने स्लाइड शो के आखिर में पहुंचे तो कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करें आपकी प्रेजेंटेशन की टाइमिंग्स आपके रिकॉर्डेड स्लाइड शो में शामिल हो जाती हैं और जिन स्लाइड्स के साथ नरेशन होती है उनके साथ एक स्पीकर आइकॉन का छोटा सा मार्क ये नीचे दाएं कोने में ऐड हो जाता है टू रिमूव नरेशन एंड टाइमिंग्स फ्रॉम स्लाइड शो स्लाइड शो टैब पर क्लिक करें सेटअप ग्रुप को लोकेट करें रिकॉर्ड स्लाइड शो के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें माउस से क्लियर की कमांड पर क्लिक करें और आपके सामने ड्रॉप डाउन जाहिर होगा जिसमें से अपनी मर्जी की कमांड पर क्लिक करें टू प्रेजेंट योर स्लाइड शो वीडियो। फाइल टैब में जाएं, यह आपको बैकस्टेज व्यू में ले जाएगा सेव एंड सेंड पर क्लिक करें फाइल टाइप में अ वीडियो पर क्लिक करें अब आपके सामने अ वीडियो का मेन्यू खुल गया है कंप्यूटर एंड एच डी डिस्प्लेज वाला ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करें ताकि आप वीडियो क्वालिटी और साइज को मुंतखब कर सकें रिकॉर्डेड टाइमिंग्स एंड नरेशंस के सामने वाला ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करें डोंट यूज़ रिकॉर्डेड टाइमिंग्स एंड नरेशंस का इंतबाब करें अगर आप टाइमिंग्स रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं क्रिएट वीडियो कमांड पर क्लिक करें अपने कंप्यूटर में इस वीडियो को सेव करने के लिए लोकेशन का इंतखाब करें जहां आपने इस प्रेजेंटेशन वीडियो को सेव रखना है सेव क्लिक करें एक स्टेटस बार आपके सामने आ जाएगी जिसमें आपको वीडियो क्रिएशन की प्रोग्रेस नजर आ रही होगी ब्रॉडकास्टिंग योर स्लाइड शो टू रिमोट ऑडियंस पावर 2010 में आपसे दूर बैठे ऑडियंस तक प्रेजेंटेशन पहुंचाना बहुत आसान है सिर्फ इस मकसद के लिए आप और आपके ऑडियंस के पास इंटरनेट की सहूलत होना जरूरी है टू ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो स्लाइड शो टैब को सिलेक्ट करें और स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप को लोकेट करें ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो कमांड को क्लिक करें आपके सामने स्लाइड शो का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा स्टार्ट ब्रॉडकास्ट पर क्लिक करें एक स्टेटस बार चलना शुरू हो जाएगी आपके सामने एक लिंक खुलेगा इस लिंक को कॉपी करें और इसको अपने व्यूवर्स तक पहुंचाने के लिए सेंड इन ईमेल की ऑप्शन पर क्लिक कर दें स्टार्ट स्लाइड शो पर क्लिक करें अब अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें जब आप प्रेजेंटेशन खत्म कर चुके तो ऊपर पीले रंग के बार में लिखे एंड ब्रॉडकास्ट पर क्लिक कर दें टू क्रिएट हैंड ऑफ द प्रेजेंटेशन फाइल टैब पर जाएं। ये आपको बैक स्टेज व्यू में ले जाएगा प्रिंट पर क्लिक करें फुल पेज स्लाइड के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और इसमें हैंड ग्रुप को लोकेट करें अपने हैंड के लिए पेज लेआउट की ऑप्शन को सिलेक्ट करें आप देखेंगे कि इसमें आपको नौ स्लाइड्स पी सफा तक ऑप्शन नजर आ रही है इसमें से तीन स्लाइड्स फी सफा वाली ऑप्शन चूंकि एक लाइन में स्लाइड्स का बेहतरीन व्यू देती है इसलिए इसको सिलेक्ट करें प्रिंट कमांड पर क्लिक करें अगर आप अपने हैंड आउट्स में हेडर और फुटर को दिखाना चाहते हैं तो रिबन में मौजूद व्यू टैब पर क्लिक करें और इसमें हैंड आउट मास्टर की ऑप्शन को क्लिक करें और फिर दिए गए बॉक्सेस में हेडर और फुटर लिखें। अब एग्जिट मास्टर व्यू को क्लिक करके वापस नॉर्मल व्यू में आ जाएं।